नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए गुरुजी स्टडी पॉइंट को और पाइए सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का गुरुजी स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ हिंदी में वचन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हर प्रतियोगी परीक्षा में जिसमें हिंदी आती है उसमें एक या दो प्रश्न वचन से अवश्य पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं वचन की परिभाषा क्या है। इसे आप लोग साथ ही साथ लिख लीजिएगा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चार चीज़ें मिलकर हमें जिस रूप से संख्या का बोध कराती हैं कि वह संख्या एक है या एक से अनेक है, तो उन्हें ही वचन कहते हैं। अगर एक होगी तो एक वचन हो जाता है, अगर एक से अधिक होती है तो आपका बहुवचन हो जाएगा। इसमें बहुत सारे केस ऐसे आते हैं जब आपको लगेगा कि ये बहुवचन है लेकिन वह एक वचन ही होता है, और वही प्रश्न परीक्षा में अक्सर बार बार पूछे जाते हैं, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिससे कि वो भी आपके साथ साथ देखें। तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, ये डेफिनेशन लिख लीजिए। अब बढ़ते हैं आगे। तो चलिए अब देखते हैं एक वचन और बहुवचन क्या होते हैं। ये सब बेसिक बातें हैं, आप सभी को पता होंगी। जिससे एक होने का बोध होता है, जो वस्तु एक होती है वो आपका एक वचन हो जाएगा, एक से अधिक होगी तो बहुवचन हो जाएगा। कुछ बहुत ही सरल एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हुए हैं। पुस्तक एक वचन है, पुस्तकें बहुत सारी हो जाएंगी बहुवचन में। माता एक वचन होता है और माताएँ बहुवचन। ये तो बहुत ही बेसिक जानकारी हो गई वचन के बारे में। अब हम लोग देखते हैं वो प्रश्न जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं और जिनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। तो आइए अब देखते हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स। जैसे कि यहाँ पर पहला पॉइंट दिया गया है कि कुछ विशेष शब्द जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, ये आपको देखने में तो लगेगा कि एक वचन है लेकिन ये हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वाक्य में भी बीच में रख देता है इस प्रकार के शब्द। जैसे कि एक उदाहरण में समझते हैं, उसके प्राण निकल गए। तो अब प्राण की बात करते हैं तो प्राण में आता है कि निकल गए, उसके प्राण निकला नहीं होगा, उसका प्राण निकल गया, इस प्रकार से वाक्य नहीं बनेगा। वाक्य बनेगा उसके प्राण निकल गए। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, मैंने दर्शन किए, उसके आंसू निकले, ये सभी उसने हस्ताक्षर किए, तो ये सभी वर्ड जो हैं वो आपके बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं और देखने में एक वचन लगते हैं। ये जो प्राण, दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर, ये जो जितने भी वर्ड दिए गए हैं बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। आइए देखते हैं एक दो और टॉपिक्स। देखते हैं अगला टॉप पॉइंट्स, कुछ विशेष शब्द जो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि कोई समूहवाचक संज्ञा, माल, जनता, सामान, सोना, पानी आदि, जितने भी शब्द हैं ये आपके हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होंगे। वहाँ जनता एकत्र हुई, इस प्रकार से इनके एग्जाम्पल बन जाएंगे। तो ये शब्द आप कुछ चुने हुए शब्द हैं, यही परीक्षा में बार बार पूछ देता है। जो शब्द दिए गए इन्हें आप याद कर लेना, ऐसे ही लिख लेना, इन्हीं में से परीक्षा में आ जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं जनता की, तो देखिए जनता में जनता बनती है बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे लोग एकत्र होके जब होते हैं तब हम लोग कहते हैं कि जनता है। जनता में कोई एक इंसान तो होता नहीं है, बहुत सारे लोगों से मिलकर जनता बनती है, लेकिन वो प्रयुक्त हमेशा एक वचन में ही होगा। जैसे हो जाता है सामान, तो सामान में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे बैग होते हैं, लेकिन सामान जो है वो आपका एक वचन में ही प्रयुक्त होगा। अब देखते हैं अगला पॉइंट। देखिए भाववाचक और गुणवाचक, ये जो संज्ञाएं होती हैं, अभी संज्ञाएं मैंने आप लोगों को पढ़ाई नहीं है, कोशिश करूँगा आगे दो या तीन दिन में आप लोगों को संज्ञा की वीडियो दे सकूँ तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा भाववाचक और गुणवाचक संज्ञा क्या होती है। इनका प्रयोग जब भी होगा, अभी आप समझ लीजिए, तो एक वचन में ही होता है। जैसे इसमें दिया गया है, मैं उनकी सज्जनता पर मुग्ध हूँ, तो इसमें सज्जनता जो है
वो भाववाचक संज्ञा है और इसका प्रयोग एक वचन में हो रहा है। तो संज्ञाएं जब आप लोग पढ़ लेंगे तब आपको ये अच्छे समझ में आ जाएगा। 2 या 3 दिन में संज्ञा की वीडियो दे दूंगा आप लोगों को। देखते हैं अगले कुछ टॉपिक। अगला पॉइंट देखते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञाएं जो होती हैं वह भी एक वचन में ही प्रयुक्त होती हैं। द्रव्यवाचक जैसे कि कोई भी पदार्थ, सोना, चांदी, ये जितने भी पदार्थ होते हैं द्रव्यवाचक, ठोस द्रव्य जो भी होता है सब आपका एक वचन में ही प्रयुक्त होगा। एक उदाहरण दिया गया है, उनके पास बहुत सोना है, इसमें बहुत शब्द भी इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ये आपका सोना जो है वो एक वचन में ही प्रयुक्त होगा। एक दो पॉइंट जल्दी से और देख लेते हैं इसमें। देखते हैं अगला पॉइंट, सम्मान की दृष्टि से भी हमेशा बहुवचन का ही प्रयोग होता है। जैसे कि आप क्या चाहते हैं, तो इसमें व्यक्ति एक ही है लेकिन सम्मान की दृष्टि से बोला जा रहा है, तो यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग हो रहा है। आप क्या चाहते हैं, यहाँ पर व्यक्ति तो एक ही है, आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन जब भी सम्मान की बात होगी तो आप बहुवचन का ही प्रयोग करते हैं। एक पॉइंट और देख लेते हैं जल्दी से। अगला पॉइंट देखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, परीक्षा में अक्सर पूछते हैं, अनेक को अनेकों में नहीं बदलते हैं। जो आपका शब्द अनेक होता है ये खुद में बहुवचन है, तो इसे अनेकों में नहीं बदलेंगे। एक प्रश्न आता है परीक्षाओं में, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, वाक्य शुद्धि में भी आ जाता है, तो वहाँ पे अनेकों नहीं अनेक होगा, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। ये बात ध्यान रखना, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, काफ़ी परीक्षाओं में आ चुका है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, तो अनेकों नहीं होगा, अनेक नाम हो जाएगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।